नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एग्जिट पोल, जी हां, मध्य प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन इसमें किसी भी पार्टी की एक तरफा लहर नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, कुछ में कोई पार्टी आगे जाती दिख रही है, लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रियां सामने आ रही है। कुछ एग्जिट पोल में एक बार फिर से कमल खिलने का अनुमान जताया गया है। टाइम्स नाउ ईडीजी के एग्जिट पोल की बात करें तो दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पाले में 109 से 125 सीटें, जबकि भाजपा के हिस्से में 105 से 117 सीटें आने की संभावना है। वहीं कुछ और एग्जिट पोल सर्वेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज का राज एक बार फिर स्थापित होता दिखता है। भाजपा 150 का आंकड़ा पार कर सकती है। एग्जिट पोल में भाजपा को 151 सीटें, कांग्रेस को 74 और अन्य को 5 सीटें मिलने की संभावना है। मैट्राइज के एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनने के पूरे आसार हैं। भाजपा को 118 से 130, कांग्रेस को 97 से 107 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश में जन की बात, एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आ रहे हैं उसके अनुसार मध्य प्रदेश में इस बार किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनती नजर आ रही है। जी हां, जन की बात एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जन की बात एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 100 से 123 सीटें और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलती दिखती हैं। अन्य को 5 सीटें मिलने की संभावना है। पोस्टरेट के अनुसार बीजेपी को 106 से 116 सीटें और कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 0 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि दूसरी एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी को 116 सीटें मिलती दिखती हैं, तो कांग्रेस को 111 सीटें मिलने का आंकड़ा है। बहरहाल ये रुझान है और हमने अलग अलग सर्वे एजेंसियों के आंकड़े आपके सामने पेश किए हैं और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एग्जिट पोल है किस हद तक दोनों ही पार्टियां इस एग्जिट पोल से इत्तेफाक रखती हैं, क्या इन रुझानों को वो बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं या सिर्फ एक रुझान मानकर ही चलते हैं। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है चर्चा के लिए। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी हैं। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस टीवी डिबेट में। कांग्रेस से संतोष परिहार जी इस डिबेट का हिस्सा है। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष से करते हैं और निश्चित तौर पर कुछ रुझानों में हमने देखा है प्रहलाद जी की बीजेपी की बढ़त है, साफ तौर पर बढ़त दिख रही है, जैसा कि दावा आपके जो नेता हैं वो भी कर रहे थे। पहली प्रतिक्रिया आपकी इन एग्जिट पोल्स को लेकर, क्या गंभीरता से ले रहे हैं, क्या मानकर चल रहे हैं कि जो रुझान है नतीजों में परिवर्तित हो सकते हैं 3 दिसंबर को? अमित जी देखिए जी, ये आपके सामने 3 दिसंबर का जब नतीजे, जब मतपेटियां खुलने के बाद जो साफ आंकड़े आपको दर्शकों के, आपके चैनल के दर्शकों और मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश के अंदर जी, भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों से अधिक सीटें जीत कर मध्य प्रदेश ने फिर 5वीं बार सरकार बनाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा 2003 से आप कांग्रेस के अगर नतीजे देखें तो जनता ने इनको कभी 116 नहीं दिया, यानी बहुमत कभी नहीं दिया है। और पिछले चुनाव के लिए कई बार गौरवान्वित होते हैं तो वहां पर भी कमोवेश यही स्थिति थी कि किसी को बहुमत नहीं मिला था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से अभी जो सर्वे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं देखिएगा कि आपको एग्जिट पोल के तौर पर नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जी, और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। चलिए संतोष जी, बीजेपी तो कह रही है कि जो एग्जिट पोल है वो आगे चलकर एग्जैक्ट पोल में साबित होंगे, क्या कांग्रेस भी यही मानकर चल रही है या फिर आपको लगता है कि कुछ ऊपर नीचे सीटों का आंकड़ा हो सकता है 3 दिसंबर को? एजेंसियों ने सर्वे की जी, मतलब कोई बिंदु वन क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहता क्योंकि अपना अपना सर्वे है जी। अब आप ये बताइए सी वोटर के सर्वे को आप नकार रहे हैं क्या जो एबीपी न्यूज ने करा है? ये सब ये बातें देखिए, सर्वे बहुत छोटा एक सैंपल रहता है, उसके अंदर अपना अपना अनुमान लगा देते हैं जी। अब उसके अंदर कई जगह जो भारतीय जनता पार्टी को 2-4 लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी है इस पे, और 3-4 सर्वे ने हमारा बताया है, हमारा जो है अभी सी वोटर के सर्वे ने बताया कि 137 सीटें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की 88 सीटें आ रही है। तो ये सर्वे ठीक है,
सैंपल लेके करे गए हैं, हम इनके उसमें नहीं करते। लोकतंत्र के मंदिर में जनता भगवान देती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जो कुशासन रहा है, मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आधी है और आंधी वोटों में तब्दील हुई है। और वो तो क्या है कि आप बंगाल में सारे सारे सर्वे जो है, अब की बार जो है ममता जी नहीं आएंगी, सर्वे का क्या हुआ जी? अब आ जाए दिल्ली में आ जाइए, केजरीवाल का नाम तक नहीं लेते थे। ये सब ये सर्वे अपने अपने आकलन रहते हैं। और मध्य प्रदेश में हमारी जो है 150 के प्लस सीटें आ रही है और कांग्रेस की आधी है। मैं पहले ही बोल रहा था, आज ही बोल रहा हूँ, दो तीन दिन बचे हुए हैं। अब ये सर्वे कैसे आते हैं, कहाँ से क्या आकलन, देखो उनके ऊपर मैं क्वेश्चन उठाना इसलिए नहीं चाहता कि हमने सी वोटर का सर्वे पिछले बार भी, सी वोटर जो एबीपी न्यूज का सर्वे है उसके अंदर 137 सीट बता रहे हैं, हम बता रहे हैं 150 प्लस जाएंगे। और भाजपा के लोग किस दम पे सरकार क्या बात कर रहे हैं, उनका तो शुरू से दिख रहा है ना, पूरा नजरिया दिख रहा है पूरा। भाई आदमी जो है हवा में कहां से वोट, का हवा में वोट मिल जाएंगे, हर जगह से हार रहे हैं और सब चीजें दिख रही है। अब जब तो दो दिन बचे हुए हैं, 3 तारीख तक इंतजार करिए भाई। भाई दो तीन एजेंसियां उनको बता रही है, 4 हमको बता रही है। सर्वे सर्वे से थोड़ी मध्य प्रदेश का भाई सैंपल कितना रहता है, करोड़ों के उसमें जो है हजारों सर्वे रहते हैं जी। हर जगह आदमी का अपना अपना आकलन है, किसी का कोई अपन वो नहीं कर सकते। देखिए सर्वे काफी हद तक जो है, हमें तो 150 सीट बताई एक एजेंसी ने जी। तो मेन क्या है कि हमारा जो जनता का मध्य प्रदेश से जो फीडबैक आ रहा है और उसके अंदर दिख रहा है, लोकतंत्र के मंदिर में जनता भगवान होती है, जनता अपना मत का प्रयोग करेगी। और हम सत्ता से लड़ रहे हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो किसी भी तरीके से एनएन प्रकरण से अपने सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। कहां का किसका दबाव है ये तो दिख रहा है ना, उसमें आपको दिख जाएगा 3 दिसंबर को। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो सर्वेज होते हैं इनका क्राइटेरिया क्या होता है और साथ ही कितना इन्हें हम विश्वसनीय माने, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कई बार सर्वे कुछ और होते हैं लेकिन जब नतीजों की तारीख आती है तब कुछ और आंकड़ा देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी यही हुआ पिछली बार और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी इसी तरह की स्थिति थी, तो कितना भरोसा इन सर्वेज पर हम कर सकते हैं जी? भूपेंद्र जी, जी भूपेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है आपका माइक शायद तक म्यूट हो चुका है। भूपेंद्र जी एक बार प्लीज चेक करें जी। डॉक्टर भूपेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी बात आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। क्या आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? जी जी, मैं सुन लिया। मैं... जी, जी जी, आपकी बात रखें जी। जी देखिए, जो सर्वे होता है जी, वो सैंपलिंग के आधार पर होता है, ये वैज्ञानिक परीक्षण है, ये शोध के द्वारा होता है। देखिए जो पत्रकारिता है वो हमेशा ही हर खबर ही शोध पे बनती है और प्रमाणिकता पे बनती है और सत्यता पे बनती है, ये पत्रकारिता का सिद्धांत है। हम लोग एक सैंपल लेते हैं जो प्रवक्ता बोला है, तो उसमें जो जैसे मजदूर कैटेगरी है, पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल, सर्विसमैन, उन कैटेगरी को हम डिवाइजेशन करते हैं। तो जैसे 2000 का सैंपल लिया हमने एक विधानसभा में, या फिर हम राज्य में जैसे हमने लगभग 10,000 का सैंपलिंग करी, उस सैंपलिंग से हम मानसिकता समझते हैं, उसकी हम फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उस हिसाब से हम आगे का पूर्वानुमान बताते हैं, और लगभग ये पूर्वानुमान सही भी निकलता है। कभी कभी हो जाता है कि ऐसा, जैसे अभी जिस तरह से नेक टू नेक कभी कभी परिणाम होते हैं, तो ये जो पोलराइजेशन होता है, तो हम लोग इसीलिए उसके बाद के जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद ही हम लोग अपने सर्वे बताया करते हैं। आपके पास सर जी, हेलो जी भूपेन जी, जी आपकी बात जारी रखें जी। जी आवाज, तो इसलिए सर्वे देखिए, जब राजनीति पार्टियां इस चीज पर विश्वास करती हैं, अभी प्रवक्ता कर रहे थे, आप लोग टिकट देने के लिए ही सर्वे कराते हैं और उन एजेंसियों पर विश्वास करते हैं और आप उन लोगों को ही टिकट देते हैं जो सर्वे में जीतने लायक होते हैं, तो सर्वे को तो आप झुठला नहीं सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 10 से 15 सीटें बढ़ाव घट सकती हैं बस, बाकी ऐसा नहीं है कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, और आमूलचूल परिवर्तन के कारण आप लोग कभी कभी होता है कि इस तरह से होता है, लेकिन संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं, अधिकांश संभावनाएं जो होती। अब जैसे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखें, तो मध्य प्रदेश को 5 क्षेत्रों में अपन जैसे निवाड़ में बांट लें, अपन मध्य भारत में बांट लें, अपन चंबल एरिया और महाकौशल और जी। इन क्षेत्रों में अगर बांट लें, तो इन क्षेत्रों की जो सीटें हैं, तो कहीं पे जैसे ट्राइबल बेस पे सीटें हैं, कहीं पे बीजेपी का है, कहीं पे कांग्रेस का है। अब जो
पोलराइजेशन होता है, जो राष्ट्रीय नेता जिस तरह से आते हैं अपनी रैलियां करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी 32 रैलियां करीब यहाँ पे की और जनसभाएं की, उन जनसभाओं से मना स्थिति बदली, इसके कारण ये परिणाम इस तरह से आ रहे हैं जी। लेकिन ये परिणाम जो है, अब इन चीजों में जो वोट 500 और 200 के वोट पे जो जीते हारे जाएंगे, कि उनका पोलराइजेशन हो सकता है कि उनमें परिणाम बदल जाए कि वो बीजेपी जीत रही है कि कांग्रेस जीत रही है। लेकिन अभी तक जो भी लार्जेस्ट पार्टी आएगी शपथ उसी को दिलाई जाएगी, और अभी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को हर सर्वे में बीजेपी को आगे बताया जा रहा है जी। बिल्कुल, और इसी पर जी चर्चा का केंद्र भी है प्रहलाद जी, जिस तरह से डॉक्टर भूपेंद्र जी ने कहा कि सैंपलिंग होती है उसके आधार पर ये सर्वे रिलीज किए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार जो मध्य प्रदेश में सैंपलिंग है बहुत हद तक आपके फेवर में हुई है, और इसके पीछे की वजह क्या आप मानते हैं कि क्या पीएम की इतनी सभाएं, लगातार गृहमंत्री का मध्य प्रदेश का दौरा होना, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को इस पूरे चुनाव में उतारना, क्या इन्हीं सब वजहों से आपको लगता है कि सर्वे में बीजेपी की बढ़त है? अमित जी देखिए, जो डॉक्टर ने कहा और जो वास्तव में सर्वे तो मध्य प्रदेश के जनता के बीच ही हुआ है, वोटरों के बीच ही हुआ है, सैंपल लिए गए हैं, वो मध्य प्रदेश की ही जनता थी, मध्य प्रदेश के ही वोटर है। लेकिन मैं जिस प्रकार से मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मुझे उनको बस एक बात याद दिलाना है जी, कि आप क्यों करे कांग्रेस पार्टी को जनता वोट क्यों करे? क्या अंधेरे वाले मध्य प्रदेश अंधेर नगरी चौपट राजा के लिए वोट करें 2003 के पहले? कि मध्य प्रदेश, आप भी युवा रहे होंगे, आपको भी याद होगा जब अध्ययन का समय रहा होता है तो ना लाइट रहती थी ना जाने के लिए संसाधन होते थे, क्या उस मध्य प्रदेश में उन खस्ता हाल रोडों के लिए वोट करे जनता? तो जनता जब वोट करती है तो देखती है कि मध्य प्रदेश के कुशासन से जिस प्रकार का आज खुशहाल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, तो हम देखिए काम करते हैं, आप काम के बकवास वोट मांगते हैं। लेकिन यही कारण मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इन्होंने 2003 से 116 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने क्यों पार नहीं किया? कारण इसलिए कि आपने 2018 में झूठे छल कपट के साथ आपने जो वादे किए उसके दम पर जनता को एक आस थी कि आप आओगे तो आप कुछ करोगे, लेकिन जब आप आए तो वो चीजें तो छोड़ दीजिए, चाहे किसानों वाला मामला हो, युवाओं का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता का, चाहे आप गिनती गिनाए इनके राष्ट्रीय नेताओं ने। लेकिन दूसरा एक विषय तब आता है कि जब आप जन कल्याणकारी योजनाओं को जब आकर आप बंद कर देते हो, भाई भारतीय जनता पार्टी ने योजना शुरू की, ठीक है, जन कल्याण और जनता लाभान्वित हो रही है, लेकिन आपने कौन सा जन कल्याण किया कि आपने योजनाएं बंद कर दी कमलनाथ जी ने आके? तो ये जनता भूली नहीं है, इस कारण से कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब का सर्वे है और जो आज दिन भर से जो 5:30 बजे के बाद से मैं भी बहुत सारे न्यूज चैनल, बहुत सारे सर्वे मैंने देखे हैं, तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते नहीं बताया किसी सर्वे एजेंसीज ने। उन्होंने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कुछ तो ऐसे जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सर्वे एजेंसीज हैं जो हमेशा ही उनके नतीजे आंकड़े जो थे वो नतीजों में बदले हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से 150, 140, 130 के आंकड़े, 116 मतलब बहुमत से कहीं भी किसी सर्वे ने भाजपा को कम नहीं बताया। तो वही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो एग्जिट पोल है वो आ भी रहे हैं और परिणाम भी इसी प्रकार के आएंगे। चलिए ठीक है संतोष जी, सर्वे पर आप निश्चित तौर पर सवाल नहीं उठा रहे लेकिन पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, क्या इसकी वजह है? और जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि लगातार योजनाओं का लाभ मिला है और हर वर्ग खुश है, इसी वजह से ये जो आंकड़े हैं सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी जी, बीजेपी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, ये तो वोटों के अंदर तब्दील हो गया है। और जहां तक आप सर्वे की, मैं सर्वे पे किसी के सैंपलिंग में उंगली इसलिए नहीं उठा सकता जी, क्योंकि हर आदमी हर सर्वे करने का, किसी का सर्वे करने का अपना एक सोच रहा है जी। और टी वोटर का सर्वे मध्य प्रदेश के अंदर ये वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, शायद ये झुठला दे या माने दोस्तों के इनके चक्कर, मतलब बात में नहीं पड़ता, लेकिन अभी तक अपने जब से मैंने होश संभाला है, टी वोटर का सर्वे करीब करीब जो है ना, हर बार हर चुनाव में
एक अपना वो रहता है, जैसे तीन चार जगह सर्वे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक अपन बात करेंगे, जो आप बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की बहुत सारी सभाएं हुई है, अमित शाह जी की सभाएं हुई है, इसके बाद भी आप जो दो दिन इंतजार करिए, 3 तारीख को जो है ना उनका जो जितने सब चीजें सब पता नहीं चलेगी। और इसमें हमको 138 सीटें बता रहा है अभी सी वोटर का सर्वे जो है, अभी लास्ट में एबीपी न्यूज ने बताया जी। उसके अंदर जो है हमको 137 सीटें बता रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 88 बता रहा है। तो हमें सर्वे से कोई उम्मीद नहीं उठा इतना बड़ा कुशासन है वो पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है और उसका जवाब 3 तारीख को। भाई आप भाई दिल बहलाने के लिए रात में मुंगेरी डाल के सपने देखो ना, बहुत अच्छे देखो, वो वहाँ पे सब लोग देख रहे हैं तो आपको भी देखने का अधिकार है। थोड़ा इंतजार करिए और वोटों में तब्दील जब होगा और कांग्रेस की जो आंधी जो है, हमें जो फीडबैक मिल रहा है हमारी 150 प्लस सीटें आएंगी, 138 बताई दिया उसके अंदर सी वोटर के सर्वे, वो भी 3-4 एजेंसी बताए। तो हमें हम किसी के उससे सवाल नहीं करते, हमारी जो तैयारी है हमें जो मध्य प्रदेश से फीडबैक बन रहा है मिल रहा है उस हिसाब से कर रहे हैं। सरकार तो जो कर्नाटक में बना दी थी कई एजेंसियों ने, सरकार तो बंगाल में भी जो है बना दी थी दो बड़े लोगों की, तो सरकार तो दिल्ली में ही बना दी थी, आम आदमी का पता ही नहीं था, बाकी उनने का फाइट हो रही है। और ये देखिए हर चीज का एक आकलन रहता है, हम उनके सर्वे पे कोई सवाल इससे नहीं उठाते क्योंकि अपने एक सोर्स है, सैंपलिंग कुछ लोगों की होती है। लेकिन हमें जो हमको दिख रहा है मध्य प्रदेश में क्यों वोट दे, यहाँ का रोजगार यहाँ का जो है युवा बेरोजगार हो गया है, पलायन कर रहा है, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, अमेरिका जैसी मध्य प्रदेश में सड़क ही है, गड्ढा गड्ढे में सड़क, सब सारी चीजें दिख रहा है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद की जो है खुद के क्षेत्र में जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई पूरी योजनाएं, तो किस आधार पे इनको वोट दे। तो जनता की समझदारी संदेश से परे, हवा में जो है मुंगेरी लाल के सपने देखने से कोई देखते ना क्या दिक्कत है, लाडली बहन का क्या हुआ है, महिला सम्मान का क्या, महिलाओं। चलिए इसी पर मैं जवाब लेना चाहूंगा, फिर भूपेंद्र जी का भी रुख कर लेंगे। प्रणाल जी जवाब दें कि क्या सिर्फ योजनाएं जो थी वो ख्यालों में थी और अब क्या सिर्फ सर्वे के आधार पर ये मानकर चल रहे हैं, इत्मीनान हो गया है कि सरकार तो आपकी ही बन रही है? प्रहलाद जी, अमित जी, हम तो 1000 ज्यादा बूथों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हम संगठन के दम पे कार्यकर्ताओं के बल पर हम हर जो जनता है, जनता जनार्दन जो वोट है, हम उन तक घर घर तक हम पहुंचे हैं, हमारी संगठन के आधार संगठन कार्यकर्ताओं के, और साथ में योजनाएं तो है, अगर योजनाओं से अगर जनता लाभान्वित होती तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, कांग्रेसियों को थोड़ी ना वोट देगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये झूठे बातें करके जब आप गड्ढम गड्ढा की बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह की याद आती है, और जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कमलनाथ जी की बात आती है, क्योंकि इनके ही मंत्री उमंग सिंघार जी ने, मंत्री रहते हुए अमित जी सोचिए कि मंत्री रहते हुए कहा था कि बल्लभ भवन रेत और दलालों का अड्डा बना हुआ है बल्लभ भवन। आप सोचिए कि उस पर, मैं एक बात पर बात खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत कर इतिहास बनाएगी और ये हारने का इतिहास बनाएंगे। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र जी, लगातार कांग्रेस बीजेपी की योजनाओं पर सवाल उठाती रही है, आऊंगा संतोष जी इनके बाद आप ही के पास आऊंगा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर भूपेंद्र जी, लगातार बीजेपी ये दावा करती है कि हर वर्ग को लाभ मिला है, लेकिन इस बार हमने देखा कि जो योजनाओं की टाइमिंग थी वो काफी चौंकाने वाली थी। चुनाव के कुछ महीने पहले तक कुछ योजनाएं आई जिनका ऐलान बीजेपी ने किया, लाभ भी लोगों को मिलना शुरू हो गया, तो क्या आपको लगता है कि जनता ने भी ये सब कुछ देखा है? तो इसके बाद मध्य प्रदेश में आप क्या देख पाते हैं, किस तरह से जनता की जो नब्ज है इस बार आप टटोल पाए? भूपेंद्र जी देखिए, सरकार का जो काम होता है, सरकार 5 साल काम करती है और फिर वो चुनावी वर्ष में जाती है और अपना रिपोर्ट कार्ड रखती है और भावी योजनाओं के लिए फिर से मैदान पे आती है जी। और आज का जो समय का चुनाव हो गया है वो बिल्कुल मैनेजमेंट के गुण के अनुसार है, सोशल मीडिया है, मीडिया है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सर्वे सैंपलिंग चेक आज इनके फेवर में हो या नहीं हो, लेकिन पार्टियां संगठन सिर्फ इसी पे वैज्ञानिक परीक्षण और सर्वे पे ही चल रही हैं, आप किसी चीज को नकार नहीं सकते जी। दूसरी बात ये क्या है कि जो जून के बाद जो बीजेपी ने जो बैकिंग की है और जो
वापसी आई है उनकी योजनाओं के इम्प्लीमेशन, जैसे लाडली बहना योजना है जी। और उन्होंने हर समुदाय के, मुख्यमंत्री ने हर समुदाय के, जैसे पत्रकारों के लिए हो, चाहे बेरोजगारों के लिए हो, चाहे संविदा कर्मियों के लिए हो, सबके लिए एक सम्मेलन किया, उनको देने की बात की। अब वो भले रेवड़ी पद्धति, चाहे मोदी जी उसका विरोध करते हो, लेकिन जनता जब अगले वाली सामने वाली पार्टी करती है तो उनको भी उसका देना पड़ता है। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो स्वावलंबन की जो बात है, स्वावलंबन की बात तो घट रही है। ये तो बिल्कुल वही है कि आदमी को कमजोर ही बना जा रहा है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। तो जब देश इस तरह से चल रहा है तो उन योजनाओं का जो 3 महीने में जो फीडबैकिंग हुआ है बीजेपी के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके कारण आज जो सर्वे के जो परिणाम देखे जा रहे हैं वो ये देखे जा रहे हैं। और उसके लिए जो विपक्ष की पार्टी थी वो किस तरह से रचना कर पाई, वो रचना फेल परिणाम के रूप में, अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता परिहार जी का कहना था कि अब 2 दिन का वो कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, उसके बाद परिणाम आएंगे निश्चित रूप से। लेकिन इन चीजों की समीक्षा भी ये अनिवार्य है कि क्या हम आज इस देश के लिए या राज्य के लिए जो हमारी योजनाएं है, क्या हम जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। सबसे मेन चीज है कम्युनिकेशन का, जो कम्युनिकेशन है हर वर्ग के लिए, आप क्या उनके प्रति अपनी विचारधारा, अपने किए गए काम को पहुंचाने के लिए है कि नहीं। और संचार जिस तरह से मोदी जी, अमित शाह ने जो संचार जनता के आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की, उससे ये सर्वे प्रभावित जो दिख रहा है वो इसी के कारण। और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेहनत तो इनने भी की है, लेकिन उस स्तर पे अब परिणाम निश्चित रूप से 3 तारीख को आएंगे, उस परिणाम को देखे जाएंगे और वो पार्टी लेवल पे वो भी समीक्षा करेंगे कि हमारी कहाँ कमजोरी है और हमको कहाँ पे किस पे फिर से जोर करना चाहिए और हमें उस चीज का फिर से अभ्यास करके फिर पार्टी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है उसमें जाना ही। लेकिन अगर ये सत्ता की कुंजी अगर किसी को पार्टी को मिलती है, अगर कांग्रेस को मिलती तो उसका संजीवनी बनता उनके अंदर, जो जैसे उनका कहना था कि गुजरात से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ये जादू नहीं चला, और वहां की स्थितियां और मध्य प्रदेश की स्थितियां अलग है, ये दो स्थितियों का भी आपको आकलन करना पड़ेगा। कर्नाटक का और वहां का परिणाम यहाँ प्रभावित इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का वोटर और यहाँ का मतदाता की मनस्थिति अलग है। तो इस चीज को देखना पड़ेगा, लेकिन सर्वे में आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन अब ये परिणाम भी देख लेंगे। लेकिन सर्वे को आज उनके फेवर में होता तो वो ये मानते, लेकिन निश्चित रूप से सर्वे तो किसी से प्रायोजित है नहीं है, एक कि कोई प्रायोजित करके करवा रहा है। और ये तो निश्चित रूप से इनमें वैज्ञानिक पद्धति और विश्लेषण के द्वारा निकाला जाता है, आम जनता के द्वारा। लेकिन थोड़ा बहुत फैक्चुलेशन हो सकता है, लेकिन इस तरह से फैक्चुलेशन नहीं होगा। लेकिन भाजपा सत्ता की ओर बढ़ रही है इस सर्वे के अनुसार, और कांग्रेस ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन अब कहाँ पे चल रही है कांग्रेस संगठन देखें कि उनकी कहाँ पे, क्योंकि वो भी एक विधानसभा लेकिन जो चुनावी साल होता है उसमें कुछ खास होता है, इसी वजह से कुछ योजनाओं की लॉन्चिंग की गई जिसका फायदा सर्वे में बीजेपी को दिख रहा है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि विपक्ष में रहते हुए इन पूरे 3 सालों में आपने क्या किया, तो क्या आपको लगता है कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने में आप कामयाब हो पाए हैं पूरी तरह से? देखिए अमित जी, हमने शुरू में बोला था, आज ही बोल रहे हैं आगे ही बोलेंगे, अभी 3 दिन बाद फिर बैठेंगे अपन। हमारे पास टेलीविजन नहीं है, हमारे पास हमारा नेता माननीय कमलनाथ जी, जिनके पास विजन है जी। टेलीविजन में सुबह से शाम तक क्या आता है आपसे भी छुपा नहीं, हमसे भी नहीं छुपा है, और मध्य प्रदेश की जनता देखा है। मैंने आपसे ये बोला कि जब सर्वे पे हम सवाल नहीं उठाते क्यों उठाएंगे, उनकी पद्धति है। लेकिन आप ये बताइए, इस महत्वपूर्ण चैनल में आप भी बैठे हुए हैं, मैंने जो शुरू में सवाल करा क्या सी वोटर ने एबीपी ने जो सर्वे करा है उसको आप नकार रहे हैं क्या? बिल्कुल, अगर नकार रहे हैं तो बिल्कुल नकार दीजिए, आपका विषय है। देखिए हमें दो तीन एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सबके रुझाना दो तीन ने हमें बताया, लेकिन जो मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छी बात करी पत्रकार मोदी ने कि भैया मध्य प्रदेश में जनता के लिए कुछ देने के लिए तो कुछ हो, जो मध्य प्रदेश जनता को दिया है क्या दिया, व्यापम दिया क्या दिया, लूट दी क्या दी, 50% फोन पे की सरकार दी। इसके बाद भी जो है सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने इन लोगों ने मेहनत करी है, 3 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा, माननीय कमलनाथ जी बन रहे हैं मुख्यमंत्री। और ये देखिए सर,
मेन तो क्या है कि सैंपलिंग में और वोटिंग में अगर कुछ अंतर नहीं मान रहा है तो आज ही बोल दो कलेक्टर को तो सर्टिफिकेट दे दे, इससे कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र के मंदिर में जनता भगवान होती है और जनता ने अपना मत दे दिया है और हमें जो चारों तरफ से फीडबैक मिल रहा है उसके अंदर हमारी 150 से प्लस सीट आ रही। पिछले बार भी जो अमित शाह जी बोलते थे अब की बार 200 बार कांग्रेस मुक्त सरकार पूरा भारत, तो ये देखिए हवा वाली बातें ये जो करनी चली गई। हम राजस्थान भी जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश भी जीत रहे हैं, तेलंगाना भी जीत रहे हैं और आगे बैठेंगे। अभी आप टीवी पे कुछ भी दिखा रहे 3 तारीख तक, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। हमारे नेता तो कहते हैं ना कि हम तो विजन पे विश्वास करते हैं। अरे शिवराज सिंह चौहान जी जो है कागजों की भेंट बोले। चलिए संतोष जी, मध्य प्रदेश में क्या आप एक फिगर मानकर चल रहे हैं, कितनी सीटें कांग्रेस की आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में? नेता की जो बातें कर रहे हैं हवा वाली बातें, केवल हवाबाजी, केवल तंत्र देखना, देख लो दो जी। ठीक है संतोष जी, लेकिन एक 230 सीटों में से कितना आंकड़ा आप मानकर चल रहे हैं, कांग्रेस कितनी सीटों पर आ सकती है, एक आपका अनुमान जी संतोष जी? 150 सीटें आएगी कांग्रेस की और मैं आप भी बैठूंगा, अभी भी बैठूंगा और 3 दिन बाद बैठूंगा जरूर, बिल्कुल। कर्नाटक के चुनाव में बोला था कि हमारी सरकार बन रही, आप ही नहीं मान रहे थे। जी जी जी, नहीं नहीं, हम नहीं मान रहे, हम तो निष्पक्ष तरीके से आपसे चर्चा कर रहे थे, जैसे आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रहलाद जी, कांग्रेस दावा कर रही है कि 150 प्लस सीटें आएंगी कांग्रेस की, बीजेपी के पास क्या आंकड़ा है फिलहाल? जी प्रहलाद जी, आपसे सवाल है प्रहलाद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए प्रहलाद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। एग्जिट पोल यानी कि सिर्फ रुझान है, अलग अलग एजेंसियों ने ये पूरे सर्वे कंडक्ट किए हैं, कुछ में सरकार रिपीट होती दिख रही है तो कुछ में ये भी दावा है कि इस बार परिवर्तन मध्य प्रदेश में हो सकता है। बहरहाल परिवर्तन होगा या फिर नहीं, सत्ता में वापसी होगी फिर से बीजेपी की, ये देखने के लिए हमें 3 दिन तक और इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।